नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक 250 वाट का एम्पलीफायर लाया हूँ जिसमें शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है। सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा सीरीज वाल्व डायरेक्ट जल रहा है चूँकि स्विच ऑन ऑफ करने पर। चलिए दोस्तों, मैं इसे चेक करता हूँ। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं मैं कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इस कंडीशन में कई बार ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होने से भी आपका सीरीज वाल्व जलेगा, लेकिन इसमें ये रेक्टिफायर ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको ट्रांजिस्टर पे शॉर्टिंग चेक करा देता हूँ। देख सकते हैं आप। ओके दोस्तों, आपको मैं ट्रांजिस्टर पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ इसलिए मैं एक हाथ से ही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं मीटर पे आपको शो कर के दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम है आलोक, आलोक पासवान। देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये शॉर्टिंग है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर को बारी बारी से ओपन करके चेक कर लूँगा ताकि इसमें कौन सा शॉर्टिंग है। जैसे कि एक शॉर्ट होने पे भी आपको, जैसे कि मैंने ओवरलोड स्विच का तार को हटा लिए हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रांजिस्टर है। देख सकते हैं कि 0-0 शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी ट्रांजिस्टर को, बेस और एमिटर को चेक कर लीजिएगा। जैसा कि ये शो ठीक, ये वाले ठीक शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर मेरा ख़राब है, चलिए हम इसे पहले चेंज करेंगे। और इससे पहले ड्राइवर कार्ड को भी हम चेक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने खोल लिया है, चूँकि मैं रिकॉर्डिंग खुद ही कर रहा हूँ एक हाथ से इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि हाँ किस प्रकार से निकाल रहे हैं हम। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मैं एक ही हाथ से चेक कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जैसे कि ये शॉर्टिंग है ट्रांजिस्टर हमारा। ओके, इस प्रकार से बेस एमिटर को चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसा कि मैंने ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद मैं एम्पलीफायर को ऑन किया तो उसका लेवल इंडिकेटर डायरेक्ट शो करने लगा। ऐसा क्यों? सो देखते रहिए आप, क्योंकि इसका ओवरलोड स्विच डायरेक्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, मैंने वापस में इसका ओवरलोड स्विच का तार को लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कोई गेन, सारे वॉल्यूम 0 हैं, फिर भी आपका लेवल इंडिकेटर डायरेक्ट शो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडियो में सिग्नल में शॉर्टिंग होने की वजह से भी होता है। चलिए ठीक है, मैं ऑक्स वायर लगा करके देख लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑक्स वन में मैंने लगा रखा है लीड को, बट उसे निकालने के बाद भी हमारा लेवल इंडिकेटर डायरेक्ट शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर कार्ड में हमारा फॉल्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंडेंसर हमारा, देख सकते हैं फुली हुई है, और एक डायोड चूँकि जली हुई है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है, चलिए उसे हम चेंज कर लेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने दिखाया है कि ओवरलोड स्विच पे 36 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज ठीक है, ये हमारा मेन कंडेंसर है, इस पर भी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद आपको। मेरा नाम है आलोक, आलोक पासवान, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरा दुकान का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम ये बेस ड्राइव भी चेक कर लेंगे जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो ड्राइव नहीं बन पा रही है, चलिए दोस्तों हम इसे पहले फिर से मैं ओवरलोड स्विच पे चेक कर लेता हूँ वोल्टेज। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं
ओके दोस्तों, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसलिए प्रॉपरली मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं आप, बेस्ट ड्राइव बोल रहे हो, आपके वन साइड तो बन ही रहे थे। देखो चलिए दोस्तों, मैं ट्रांजिस्टर को पहले लगा लेता हूँ। इस प्रकार से आप हीटसिंक कंपाउंड लगा करके, माइका लगा करके आप ट्रांजिस्टर को लगा लें, जिस प्रकार से मैंने दिखाया कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से हमने लगा लिए हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ओवरलोड स्विच को भी कनेक्ट कर दिए हैं। इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लें। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ओवरलोड स्विच लगाया, और तो हमारा स्रीजिंग बल्ब जो डायरेक्ट था वो फ्लडिंग छोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने ड्राइवर कार्ड में जो मैंने कंडेंसर वगैरह दिखाए थे वो हमने चेंज कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा ये चैनल ओके हो चुका है। आप सुन सकते हैं आवाज़ ऑडियो ग्रेड किस तरह से, और हमारा डायरेक्ट लेवल इंडिकेटर था सो भी ठीक हो गए। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। देख सकते हैं मैं ऑक्स वन में लगा रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ओवरलोड स्विच है, इसे हम चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारे वॉल्यूम मैंने इस प्रकार से आपको मैं चेक करके करा के दिखा रहा हूँ, ऑडियो ग्रेड। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसे ओवरलोड स्विच को भी चेंज कर लें। चलिए दोस्तों, इस तरह से बेजल को हटाने के बाद आप ओवरलोड स्विच को चेंज कर लें, जैसे कि देख रहे हैं आप, देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ओवरलोड स्विच और ये ट्रांजिस्टर है, और एक डायोड और एक कंडेंसर मैंने निकाले थे जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैंने ओवरलोड स्विच को लगा लिए हैं, और मैं सेट को म्यूजिक चला के आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसा कि सुन सकते हैं मैंने मास्टर को यूँ बढ़ाया, हमारे म्यूजिक ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल को बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आलोक, आलोक पासवान, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरा दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कृपया आप वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।